न्यूक्लियर फिजिक्स के इस लेक्चर में हम लीनियर एक्सेलरेटर को डिस्कस करेंगे। लीनियर एक्सेलरेटर को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक्सेलरेटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एक्सेलरेटर्स की हमें रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि हमें पता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती है कि वो जब उस एनर्जी के साथ किसी टारगेट मेटल के साथ स्ट्राइक करें तो वो टारगेट मेटल के एटम के न्यूक्लियस को उस एनर्जी के साथ डिसइंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमें एक्सेलरेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी और एक्सेलरेटर की हेल्प से हम उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करके इतने एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि जब वो उस एनर्जी के साथ टारगेट मेटल के ऊपर स्ट्राइक करें तो टारगेट मेटल के एटम के न्यूक्लियस को वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस एग्जिस्ट कर जाती हैं। इसलिए लीनियर एक्सेलरेटर या एक्सेलरेटर्स की हमें जरूरत पड़ी। और एक्सेलरेटर की सीरीज के अंदर आज जिस एक्सेलरेटर पर हम बात कर रहे हैं वो लीनियर एक्सेलरेटर है। और लीनियर एक्सेलरेटर का कंसेप्ट हमें ईजिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1925 के अंदर दिया था। ईजिंग नाम के साइंटिस्ट ने हमें एक आइडिया दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और उन्होंने लीनियर एक्सेलरेटर की हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया 1.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी लीनियर एक्सेलरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो लीनियर उसको हमें जो पेपर के अंदर कंसेप्ट लिखना है वो क्या लिखना है, लीनियर एक्सेलरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, मीन लीनियर एक्सेलरेटर वर्क्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ए अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द प्रिंसिपल। अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, हम इसको बनाएंगे कैसे। इस कंस्ट्रक्शंस को मैं कुछ स्टेप्स के ऊपर डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, इसको अगर हम स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर वन, लीनियर एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स। और ये सिलेंडर कैसे होने चाहिए, इंक्रीजिंग लेंथ के होने चाहिए। इस सिलेंडर की लेंथ इससे बड़ी होनी चाहिए, इस सिलेंडर की लेंथ इस सिलेंडर से बड़ी होनी चाहिए। मीन्स ये जो मैं सिलेंडर ले रहा हूं ये सारे के सारे होलो सिलेंडर होने चाहिए नंबर वन, और ये इंक्रीजिंग लेंथ के होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बना, लीनियर एक्सेलरेटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ होलो सिलेंडर विद इंक्रीजिंग लेंथ। एंड इसके बाद इन सिलेंडर्स को हमें कैसे सेट कर देना है, दी सिलेंडर को एडजस्ट कर देना है स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर टू पे हमें क्या करना है, जितने भी सिलेंडर हैं ईच एंड एवरी सिलेंडर को हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। मींस हमें जैसे इस सिलेंडर को नंबर वन नाम दिया है, इसको नंबर टू नाम दिया है, इसको थ्री दिया है, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ।
मींस नंबरिंग ईच एंड एवरी सिलेंडर, दैट इज द स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री पे क्या करना है, जितने भी ओड नंबर के सिलेंडर हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन सो फोर, इन सिलेंडर को हमें कनेक्ट कर देना है। मींस सिलेंडर नंबर 1, 3, 5 आर कनेक्टेड टूगेदर, इनको एक साथ कनेक्ट कर देना है और इनको ज्वाइन कर देना है किससे, वन एंड ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। मींस ओड नंबर के जितने भी सिलेंडर हैं जो हमने लगाए हैं, उन सारे सिलेंडर को कनेक्ट कर देना है एक साथ और उनको ज्वाइन कर देना है वन एंड ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। और जितने भी इवन नंबर के सिलेंडर हैं, मींस सिलेंडर नंबर 2, 4, 6 आर कनेक्टेड टूगेदर एंड ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ए अदर टर्मिनल ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और ज्वाइंड कर देना है। मींस जो जितने भी इवन नंबर के सिलेंडर हैं, दे आर कनेक्टेड टूगेदर, उनको एक साथ कनेक्ट कर देना है और ज्वाइन कर दे, इसके बाद देन ज्वाइन अदर टर्मिनल ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इतना करने के बाद फोर्थ स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे। मींस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम फ्रीक्वेंसी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। इसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहा हूं तो किसको सेट कर रहा हूं, एक टाइम पीरियड को सेट कर रहा हूं। अब ये टाइम पीरियड मेरे को क्या बताना चाह रहा है, मींस एक पर्टिकुलर, जैसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये होती है, एक पॉजिटिव साइकिल है, ये एक नेगेटिव साइकिल है। मींस एक साइकिल, ये जो हाफ साइकिल है, ये किसी टाइम पीरियड के ऊपर क्या होगी, चेंज होगी। मींस जो सिलेंडर पॉजिटिव्स हैं, अगर सिलेंडर 1, 3, 5 जितने अगर इस साइकिल के ऊपर पॉजिटिव्स हैं, तो वो इस साइकिल के ऊपर क्या हो जाने चाहिए, 1, 3, 5 नेगेटिव हो जाने चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑल दो सिलेंडर विच आर एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दे बिकम नेगेटिव इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल, अगली हाफ साइकिल के ऊपर वो क्या हो जाने चाहिए, नेगेटिव हो जाने चाहिए, देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, अदरवाइज कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। मींस हमने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, उसी टाइम पीरियड के ऊपर ये पॉजिटिव, ये सिलेंडर 1, 3, 5 अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, 2, 4, 6 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर 1, 3, 5 पॉजिटिव हैं तो 2, 4, 6 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइकिल चेंज होगी, 1, 3, 5 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, 2, 4, 6 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मींस पर्टिकुलर साइकिल के बाद, पर्टिकुलर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी चेंज हो जानी चाहिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब चलते हैं हम वर्किंग के ऊपर। वर्किंग हमें पता है, वर्किंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, हमें किस चीज को एक्सेलरेट करना है, इसके अंदर हमें किसी पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करना है, और पॉजिटिव आयन किससे जनरेट करेंगे, किसी ना किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जनरेट करेंगे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख दिया है वन एंड के ऊपर। इस डिस्चार्ज ट्यूब से, इस आयन सोर्स से हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या निकलेंगे, पॉजिटिव आयन निकलेंगे, और ये पॉजिटिव आयन एक्सेलरेट करेंगे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इनसाइड ऑफ दैट डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमें वैक्यूम मेंटेन कर रखा है। वैक्यूम इसलिए मेंटेन करना है कि अगर यहां पे कोई एयर होगी तो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एयर को आयोनाइज कर सकता है। मीन्स इन सारे सिलेंडर को हमने किसके अंदर फिट कर रखा है, एक लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर
एडजस्ट कर रखा है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम पंप की हेल्प से इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर लो मेंटेन कर रखा है ताकि इसके अंदर और कोई भी चीज का आयनाइजेशन ना हो सके। अब हम वर्किंग को देखना चाहते हैं तो वर्किंग क्या कहती है हमारे पास, हमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेना होगा और उसको डिस्चार्ज ट्यूब के वन एंड के ऊपर लगना होगा। तो हमने ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया, जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मैं किस चीज का नाम दे रहा हूं, आयन सोर्स का, मींस इस आयन सोर्स से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट आउट करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अब एक्सेलरेट आगे तभी करेंगे जब हम इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को या इस अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं स्विच ऑन करूंगा। और मैंने जैसे ही इसको स्विच ऑन किया तो हमने एक फ्रीक्वेंसी को सेट किया इन सिलेंडर्स के ऊपर। हमने फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट किया कि सिलेंडर वन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मींस इवन ओड नंबर के जितने भी सिलेंडर हैं उन सब के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और सिलेंडर नंबर टू जितने भी ओड हैं इवन हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मींस ये मेरी साइकिल एक ऐसे मैंने सेट, जैसे ही स्विच ऑन की साइकिल हमने फ्रीक्वेंसी हमारे पास पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अपीयर हुआ, ऑल ओड नंबर वाले सिलेंडर्स के ऊपर नेगेटिव आया तो और इवन नंबर के ऊपर कितना आया, पॉजिटिव आया हमारे पास। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। क्यों एक्सेलरेट होंगे, क्योंकि नेगेटिव है इनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सिलेंडर इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा तो इनके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो इनको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। इनको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करके किसके अंदर एंटर करेंगे, इन सिलेंडर नंबर वन के अंदर एंटर करेंगे। अब सिलेंडर वन नंबर वन क्या है, होलो है, और होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये उसी वेलोसिटी के साथ इसकी डिस्टेंस को कवर करेगा, इस सिलेंडर की लेंथ को कवर करेगा जितना इस सिलेंडर से बाहर ये एक्सेलरेट हुआ था। मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव दैट सिलेंडर विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जो इसने बाहर जिस वेलोसिटी से ये एक्सेलरेट करके इसके अंदर एंटर हुआ था, और उस वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ये चल के आएगा किसके अंदर आएगा, इस गैप के अंदर आएगा। गैप के अंदर आते ही ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अब आगे एक्सेलरेट नहीं कर सकता। कब तक एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और इस आयन के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के दोनों किस पे आ चुके हैं, सेम पोटेंशियल पे आ चुके हैं, इसलिए इनके बीच में रिटार्डेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है कि जैसे ही सिलेंडर इस डिस्टेंस इस लेंथ को मूव करके इस गैप में आए वैसे ही एकदम से पोलैरिटी चेंज हो जाए। हमें इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का एक ऐसा टाइम सेट कर देना है कि उस टाइम के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर निकले तो ये पॉजिटिव साइकिल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस कंडीशंस पे जो सिलेंडर वन पहले नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिलेंडर टू जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और सिलेंडर थ्री क्या था, जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। फोर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। फाइव जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। सिक्स जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस गैप के अंदर फिर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट करेगी और कितने इस गैप के अंदर क्या करेगी, इसको इस पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी।
मींस यहां पर फिर एक्सेलरेट होगा इस गैप के अंदर। इस गैप के अंदर जितनी वेलोसिटी से एक्सेलरेट हुआ है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है। उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिर किसके अंदर मूव करेगा, एंटर करेगा सिलेंडर नंबर टू के अंदर एंटर करेगा। अब सिलेंडर नंबर टू के अंदर, ये सिलेंडर नंबर टू जो वो होलो है, होलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। जीरो होगी तो इसके अंदर ये कोई भी एक्सेलरेशन को गेन नहीं करेगा। जितनी वेलोसिटी से इस गैप के अंदर एक्सेलरेट हुआ था उसी वेलोसिटी से इस सिलेंडर की लेंथ को ये मूव करेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से। कितनी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, जितना गेन इसने इस गैप में किया था उस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से इस सिलेंडर की लेंथ को ये मूव करेगा। और मूव करने के बाद किसके अंदर पहुंचेगा, इस गैप के अंदर पहुंचेगा। इस गैप के अंदर पहुंचेगा तो फिर इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये दोनों फिर इनके पास सेम पोटेंशियल के ऊपर आ जाएंगे। सेम पोटेंशियल के ऊपर आने के बाद इसके अंदर रिटार्डेशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमें पोलैरिटी को ऐसे एडजस्ट कर देना है जो ये नेगेटिव थी वो फिर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। मीन्स इस कंडीशंस के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, जो पॉजिटिव था ये जितने भी पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाए और जो नेगेटिव था वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ये फिर क्या बन जाएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है क्योंकि यहां पे अगर मैंने इस सिलेंडर की लेंथ अगर इतनी ही सेट कर देता जितनी इस पहली सिलेंडर की लेंथ है, अगर सिलेंडर टू की लेंथ उतनी ही सेट कर देता तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस गैप में तो इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी को गेन कर रहा है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ आया था तो इस गैप में सिर्फ 2 से, क्योंकि इसके ऊपर फिर फील्ड लग रही है, फिर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये यहाँ पर और ज्यादा वेलोसिटी को गेन कर रहा है, और ज्यादा वेलोसिटी को गेन कर रहा है तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। अगर और ज्यादा वेलोसिटी को गेन करेगा, वेलोसिटी तो यहाँ पर इसने ज्यादा गेन कर ली लेकिन टाइम पीरियड तो वही कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब मैं एक वेलोसिटी का फॉर्मूला देखूं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ये टाइम तो कॉन्स्टेंट फिक्स कर रखा है, यहाँ पे इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मैंने टाइम पीरियड तो फिक्स कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको वेलोसिटी ज्यादा गेन करवा दी, वेलोसिटी ज्यादा गेन करवा दी तो मेरे को यहां से टाइम पीरियड को स्टडी करूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये तो मेरे पास फिक्स है लेकिन ये बढ़ गई, ये वेलोसिटी तो यहां पे बढ़ गई ना, ये वेलोसिटी बढ़ गई तो डिवाइड करूंगा बड़ी क्वांटिटी से तो ये कम आना चाहिए इसका मतलब। लेकिन मेरे को तो इसको क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। कॉन्स्टेंट कैसे रखूंगा, अगर जिस प्रपोर्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ी है उसी प्रपोर्शन में क्या कर दू मैं, इसकी लेंथ को मैं बढ़ा दू, लेंथ को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, उसी प्रपोर्शन में इसका ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसके कंपेरिजन में, इस सिलेंडर के कंपैरिजन में हमने क्या कर दिया, इस सिलेंडर की लेंथ को बढ़ा दिया ताकि लेंथ बढ़ जाएगी तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से उतने ही बड़े हुए डिस्टेंस को ट्रेवल करे तो ये टाइम पीरियड क्या आए, कांस्टेंट आए, ताकि सिलेंडर इस उतने ही टाइम पीरियड के अंदर इस सिलेंडर के डिस्टेंस को कवर करके इस गैप में पहुंचे। जैसे इस गैप में पहुंचेगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज होते ही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे फिर वेलोसिटी को गेन करेगा, वेलोसिटी को इस गैप के अंदर वेलोसिटी को गेन करेगा, इस गैप के अंदर काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, जो यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर कितनी हो गई, सपोज करो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इस काइनेटिक एनर्जी से एंटर करेगा, सिलेंडर होलो है इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तो अब हमें इस सिलेंडर की लेंथ को कितना सेट करना पड़ेगा, इस सिलेंडर के लेंथ के कंपैरिजन में और बढ़ाना पड़ेगा ताकि इतने डिस्टेंस को वो इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करके आए, इतने ही टाइम पीरियड में यहाँ पे पहुंच जाए। मीन्स वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो लेंथ भी ज्यादा हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। डिस्टेंस ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर ऊपर यहां पर निकलेगा। यहां पर आते ही फिर पोलैरिटी चेंज होगी, मीन्स जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ऐसे ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा।
इस प्रोसेस को फॉलो करता हुआ इन जब सिलेंडर्स में से वो एक्सेलरेट करेगा तो वो एक वेरी हाई वेलोसिटी को गेन कर लेगा और वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। और जब इस ऐसे प्रोसेस को फॉलो करता हुआ जब वो एनएफ सिलेंडर में से निकलेगा तो उसके पास वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इस टारगेट मेटल एटम के साथ स्ट्राइक करेगा तो इस टारगेट मेटल के एटम के न्यूक्लियस को वो डिसइंटीग्रेट कर देगा और हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें इस आर्टिकल के अंदर ये देखना होगा कि जो ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक साइकिल के अंदर मीन्स वन हाफ साइकिल के अंदर जो ये हाफ साइकिल है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है उस हाफ साइकिल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल्स कर रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इस सिलेंडर की लेंथ और एक ये गैप ट्रेवल करेगा यही तो ट्रेवल करेगा क्योंकि देखो पोलैरिटी जब तक चेंज नहीं यहां पे पोलैरिटी नेगेटिव थी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस गैप को एक्सेलरेट हुआ और इसने डिस्टेंस कवर करके यहां पे आया। पोलैरिटी चेंज होगी फिर यहां से एक्सेलरेट करेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा फिर पोलैरिटी चेंज मिलेगी इस डिस्टेंस को गैप को ट्रेवल करेगा इस लेंथ को ट्रेवल करेगा। इसका मतलब हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेंडर एंड गैप बिटवीन द सिलेंडर इसने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल वो कितना आएगा वो कितना आना चाहिए दैट कम्स आउट टू बी अगर मैं उसको स्टडी करूं तो डिस्टेंस हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है हमें पता है ये। अगर ये इस चीज का मैं फॉर्मूला लगाऊं तो डिस्टेंस की मेरे को वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा वेलोसिटी वेलोसिटी इसको मैं अगर एनएच के अंदर स्टडी करूं तो मैंने वी एन लगा दिया है इनटू टाइम और टाइम पीरियड मैंने कितना लिया है एक हाफ साइकिल ली है हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है कंप्लीट टी होता है तो एक हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा टी बाई टू तो यहां पे जो ये टाइम है टाइम जो ये है वो टाइम कितना आएगा दैट कम्स आउट टू बी टी बाई टू। इसका मतलब मैंने ये कंडीशन किसके अंदर लगाई है ये डिस्टेंस किस कौन से सिलेंडर के अंदर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं मैं एनएच सिलेंडर क्योंकि जब सिलेंडर बाहर निकलेगा ना तो मैं सिर्फ एनएच सिलेंडर के अंदर कितनी वेलोसिटी थी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो ही देख सकता हूं। इसके बाद मैं इसको फर्स्ट इससे पहले वाले में इस इनमें चेक कर सकता हूं तो इसका मतलब मैं क्या निकालने की कोशिश करूं ये डिस्टेंस जो है उसको मैं ले रहा हूं एल एन से मीन एल एन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एनएच सिलेंडर ड्यूरिंग द वन हाफ साइकिल ठीक है ड्यूरिंग हाफ साइकिल के अंदर कितना आएगा दैट इज इक्वल टू वी एन इंटू टी बाई टू। Vn क्या चीज है ये Vn वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की किसके अंदर NH सिलेंडर के अंदर है तो ये हमारे पास ये क्या चीज है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन NH सिलेंडर के अंदर है NH ये NH गैप के अंदर और इस सिलेंडर के अंदर ये हमारे पास है। तो अब अगर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसका कोई चार्ज क्यू है अगर वो इस एनर्जी किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स है तो वो किसी ना किसी किसी ना किसी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है तो हमने कहा किसने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है वो किसी गैप के अंदर वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसने एक गैप के अंदर किसी भी पर्टिकुलर गैप के अंदर
किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर गैप के अंदर उसने वो कितनी एनर्जी से एक्सेलरेट हुआ होगा, हमें पता है एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। तो कितनी एनर्जी से एक्सेलरेट हुआ होगा वो, एनर्जी क्या होती है, क्यू इंटू वी, इतनी एनर्जी से एक्सेलरेट हुआ होगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी एनर्जी के साथ वो जरूर एक्सेलरेट हुआ होगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का चार्ज अगर ई लेके चलू तो कितनी एनर्जी आएगी मेरे पास, ई इज इक्वल टू ई इंटू वी, हमें पता है ये आती है, इतनी एनर्जी के साथ एक्सेलरेट हुआ होगा ये कौन सी, किसी भी एक पर्टिकुलर गैप के अंदर। और कम से कम मैं कंडीशंस कहां पे लेके चल रहा हूं, एन की लेके चल रहा हूं, तो इसके अंदर कितने गैप्स होंगे, एन गैप्स होंगे, और हर गैप के अंदर इतनी एनर्जी को वो गेन कर रहा है। तो आफ्टर द एनथ गैप के बाद जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर इमिट आउट करेगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू एन इंटू ई वी, ये होगी। और ये अगर इसके पास एनर्जी है आफ्टर द एनथ गैप के बाद तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ वी एन स्क्वायर, ये होगी। तो उसके बाद उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, हम ये भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एनएच गैप एनएच सिलेंडर में से निकला, एनएच सिलेंडर के बाहर निकलने के बाद उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकला, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। कितनी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, यहां से हम निकाल देंगे, कितनी, दैट कम्स आउट टू बी वी एन स्क्वायर, हम यहां से वी एन स्क्वायर को निकाल ले वैल्यू, और टू को इधर ले आऊं, दैट इज इक्वल टू टू एन ई वी, या क्यू भी ले सकते हैं, चार्ज ऑफ अपॉन नीचे क्या ले आऊं, नीचे दैट इज इक्वल टू एम, ये मेरे पास वी एन आ गया। और वी एन की वैल्यू निकालू, स्क्वायर को हटा दूं, तो यहां से क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एल एन की वैल्यू निकाल सकता हूं, उसने एन एल एन मीन्स ये एल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एनथ गैप के अंदर, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं वी एन, ये आ गया मेरे पास, और हमारे पास ये क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू एन ई वी अपॉन एम। और टी बाई टू फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू वन बाई टी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, टी इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये होगा। तो यहां से जब मैं टी की वैल्यू पुट करूं तो ये टी की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, वन बाई एफ, तो ये कितना हो गया मेरे पास, वी एन अपॉन टू एफ, और वी एन की वैल्यू ये आ गई, तो एल एन की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे कितना आ जाएगा, टू एफ। तो यहां से एल एन की वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इसको किससे, टू एफ, तो दैट इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, एल एन इस वन बाई टू एफ को आगे ले लू अंडर रूट, इसको मैं मिटा दू यहां से, तो ये क्या बन गया मेरे पास, टू एन ई वी अपॉन एम, ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, इतना आ गया। अगर मैं इस रिलेशन को स्टडी करूं तो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर वेलोसिटी, ये वाला टर्म मेरा किसका है, वेलोसिटी का है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा गेन करवानी है तो मेरे को एल एन, जो एनएच सिलेंडर की लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब मेरे को अगर हाई काइनेटिक एनर्जी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो मेरे को बहुत से सिलेंडर लेने पड़ेंगे इंक्रीजिंग लेंथ के। अगर ये इतना है तो लास्ट वाला सिलेंडर इतनी लेंथ का होना चाहिए। अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी से, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट करना है तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ेगी।
ऐसा करने से इस लीनियर एक्सेलेरेटर का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। इतने बड़े साइज को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट आ रहा था, तो ये किसके एक मेजर डिसएडवांटेज आ रही थी। लीनियर एक्सेलेरेटर की हेल्प से अगर हम चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे सिलेंडर इंक्रीजिंग लेंथ के चाहिए थे। ड्यू टू दिस रीजन साइज ऑफ दैट लीनियर एक्सेलेरेटर इज टू बी वेरी लार्ज, तो ये मेजर डिसएडवांटेज आ रही थी। अगर मैं सिलेंडर्स के साइज को कम कर रहा हूं तो मेरे को ये देखना है, अगर ये सिलेंडर के साइज को मैं कम कर रहा हूं तो ये तो वेलोसिटी की टर्म है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे को एलएन की वैल्यू कम करनी है तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एलएन की वैल्यू क्या है, एलएन इज इक्वल टू दिस, ये वाली टर्म तो वेलोसिटी की है ना, वेलोसिटी वी एन अपॉन क्या है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मैं क्या कम कर क्या बढ़ा दूं, अगर ये मेरे को इसका साइज कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो ये एलएन क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेरी हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के ऊपर वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है। मींस अगर मैं एफ को बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहा हूं तो लेंथ तो छोटी हो रही है लेकिन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करना बहुत डेंजरस है। तो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या आ रही थी, इस लीनियर एक्सेलेरेटर की हेल्प से अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट करना है तो इस एक्सेलेरेटर का साइज बहुत बड़ा हो रहा है। अगर साइज को कम कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो वेरी हाई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स के ऊपर वर्क करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये इसकी मेजर बहुत सारी डिसएडवांटेज आ गई थी। तो इस लीनियर एक्सेलेरेटर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके बाद बहुत सारे और एक्सेलेरेटर्स डेवलप किए गए। इसके अंदर एक कंसेप्ट और है, अगर मैं इस एक्सेलेरेटर के अंदर इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, मीन जो वी की वैल्यू है वो किसके कंपेरेबल हो जाए, ऑलमोस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी तो इस चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेरी लार्ज होगी। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ईच एंड एवरी गैप के अंदर, उसको हमें निकालना था। अगर इस केस के अंदर मैं डिस्टेंस को फाइंड आउट करूं तो इस वेलोसिटी को यहां पर जो मैं देख रहा हूं, ये वेलोसिटी है, दैट इज ये वेलोसिटी आई थी मेरे पास, ये वाला जो टर्म है ये, तो मेरे पास वेलोसिटी अगर ये है तो इसको मैं अगर c की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो ln की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी, ln ले लो या l ले लो, अब इस केस में हर एक में इतना ही आएगा 1/2f इंटू सी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं जानता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, ये होती है। तो c अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी मैंने क्या ले रखी है f, और लैम्डा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब सी अपॉन फ्रीक्वेंसी को मैं क्या पुट कर सकता हूं, लैम्डा। तो ये क्या बन गई, 1/2 सी अपॉन एफ की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या आ गया, लैम्डा बाई 2। और ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। मीन्स अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस लीनियर एक्सेलेरेटर की हेल्प से उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी को तो गेन कर लेगा। उस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा वो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी लैम्डा बाई 2। तो इस केस में गैप जो होगा दैट इज टू बी कॉन्स्टेंट। अगले आर्टिकल में हम वेंडीग्राफ एक्सेलेरेटर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लीनियर एक्सेलेरेटर था। थैंक यू।